जहां तक यात्रा का विषय है, क्योंकि महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहां घटनाक्रम हुआ है, तो वहां की लाइट आउट की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें और हरियाणा में जहां भी है वहीं करें। कोई बाहर से जाकर के किसी स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं उसमें से, क्योंकि एक महीना पहले एक घटना हुई, तो उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए मना किया है, लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उसको परमिशन छूट मिलनी चाहिए होती है। के बारे में विस्तार से मुख्यमंत्री जी बताएंगे, बड़ा मामला है और मुख्यमंत्री जी अपनी देखरेख में इसके बारे में सारी कार्रवाई कर रहे हैं। आप कुछ अपील करना चाहेंगे सर? शांति बनी रहनी चाहिए, शांति से बड़ी कोई चीज नहीं। वैसे पूछताछ के लिए वहां के विधायक को भी नोटिस भेजा गया है कि पूछताछ में शामिल है। मामन खान, पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, जो कुछ वहां पर हुआ है, जिन जिन लोगों की उनको लगता है इन्वॉल्वमेंट है, उन सबसे पूछताछ कर रही है। अगर पुलिस को लगता होगा कि मामन खान की भी इन्वॉल्वमेंट है, तो पुलिस को अधिकार है मामन खान से भी पूछताछ करने का।